हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सी टेट साइंस के एमसीक्यू। जितने भी टॉपिक हैं उनके हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सी टेट में साइंस में पहले तो सिर्फ जनरल, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन ही पूछते थे, बट अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, थोड़े एडवांस पूछ लेते हैं, तो आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो फूड चैप्टर है। उससे उसमें जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सब कुछ सबको मिक्स क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए में कुछ आइटम्स दे रखे हैं और कॉलम बी में कुछ आइटम्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। ठीक है, तो पहला है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कब होती हैं? ये जो हमारा रेनी सीज़न है उसमें जो होती हैं, जैसे धान वगैरह, मेज़ वगैरह हो गया है ना, ये होती हैं। तो वन के साथ किसका मैच हो गया? आपके ई का मैच हो गया। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो किस सीज़न में होती हैं? आपकी विंटर सीज़न में होते हैं, जैसे कि वीट, ग्राम और पी, आपको पता है ये विंटर सीज़न में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपका ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, है ना, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड डंग, सॉरी, केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं वो कौन से होंगे आपके? फूड एंड फॉर कैटल और यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, या फिर एनिमल एक्सट्रैक्ट काउ डंग और यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। कौन सा इसमें से हमारा होगा? तो अगर हम बात करें थर्ड का, तो थर्ड जो है केमिकल फर्टिलाइज़र इनमें से हमारे यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। फिर आता है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा आ जाता है हमारा? ऑर्गेनिक है तो ऑब्वियसली ये जो काउ डंग वगैरह है ये हमारा क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक मैन्योर आ जाएगा, है ना, प्लांट वेस्ट वगैरह ये सारे। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट का जो मैच है वो किसके साथ बना था? ई के साथ बना है। ई हमारा वैसे भी एक ही ऑप्शन में है, तो आप विदाउट आगे चेक किए भी कर सकते हो, बट एक बार और चेक कर दिए, रबी वाला था, डी बिल्कुल सही है। इसके बाद हमने क्या किया था, ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये बी के साथ किया था, और ऑर्गेनिक मैन्योर हमारा कौन से आगे? सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी टेट में आपने ध्यान रखना है, इस तरह के मैच द फॉलोइंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, या लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगला भी कुछ ऐसा ही है, ए दो लिस्ट दे रखी हैं, आपको क्या करना है, उनको मैच करना है। जैसे मिंट और जो कोरिएंडर है वो क्या होता है आपका, आप पढ़ते हो, मिंट एंड कोरिएंडर आपकी कैसी हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी क्या होती है जो एडिबल लीव्स हैं एक तरह, है ना। तुलसी और नीम की मेडिसिनल वैल्यू होती है। रोज़ और जैस्मिन को परफ्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। और कैरेट एंड रेडिश के बारे में अगर बात करें, ये हमारी क्या है, एडिबल रूट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर मिंट एंड कोरिएंडर आ गया हमारा फर्स्ट के साथ सेकंड का मैच, या ए के साथ सेकंड का मैच था, बी के साथ थर्ड का मैच था, तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस भी अपने। तो ऑप्शन टू और थ्री, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, है ना। टू के साथ थ्री, ए के साथ टू, बी के साथ थ्री, है ना, और उसके बाद सी के साथ फोर्थ एंड, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट ए सेट ऑफ फूड आइटम्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सेम प्लांट पार्ट, जो सेम प्लांट पार्ट से मिलती हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहा कि एक ही प्लांट से, बट प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स में क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, लीव्स होती हैं, है ना, उसका तना होता है, तो ये सेम प्लांट पार्ट से जो मिलती हैं। अब एप्पल जो है एक फ्रूट है, है ना, शुगर केन एक क्या आ गया, तना आ गया, जैसे जिंजर, कैरेट, सबके अलग अलग पार्ट से मिल रहे हैं हमें, तो यहाँ पे सेम आपने देखना है कि सेम सेट कौन सा है। जैसे ग्रीन पीस, जीरा, चना, वीट, ये सारे क्या हैं आपके, दाने हैं, है ना, दो प्लांट के ये क्या हैं आपके, दाने हैं या बीज हैं, तो ये सारा सेम सेट को बिलोंग करता है। जबकि जैसे स्पाइनेज हो गया, ये लीव वगैरह हो गई, दूसरा आपके क्या आ गए, उसके दाने आ गए, है ना, बीज आ गए, पोटैटो उसकी तना आ गया, कैबेज भी पत्ते आ गए, तो ये आपका क्या है, अलग अलग डिफरेंट सेट्स हैं सारे। बी आपका सेम सेट को बिलोंग करता है, सारे के सारे आपके क्या हैं, बीज हैं,
या दाने हैं. ओके तो इस तरह से ये पूछ रहा था. नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फूड्स द ग्रुप कंटेनिंग ऑल आइटम्स विच आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का जो रिच सोर्स है वो आपको ऑप्शन चूज करना है. तो प्रोटीन का जो रिच सोर्स है जितनी भी पल्सेज आ जाती हैं, फिश आ जाती है, एग्स आ जाते हैं, है ना, ये सारे आपके क्या है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन आ जाते हैं. अब ऐसा नहीं है कि किसी फूड से एक ही टाइप के कंपोनेंट्स हमें मिल पाते हैं, डिफरेंट मिल पाते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके बट अगर जैसे ऑरेंज बात करें तो ऑरेंज से तो विटामिन सी मिलता है ना, राइस से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं. तो मतलब बाकियों में ना अलग अलग चीज जो एलिमेंट है उसमें भी प्रोटीन है, बट बाकी चीज़ें देखिए जैसे मिल्क है तो वो प्रोटीन का रिच सोर्स नहीं आएगा. तो ऐसा एग्स पल्सेस और फिश है जिसमें सबसे मतलब हमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन्स मिलता है एज कम्पेरिजन बाकियों में. तीनों चीज़ें ऐसी नहीं दे रखी हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय साउथ अफ्रीका. आप जब भी सी टेट के नोट्स आपने पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ें आई, जैसे चाहे वो हमारी सब्जियों के फ्रूट्स के बारे में क्यों ना बात हो, है ना. तो ये जो साउथ अफ्रीका है यहाँ से इंडिया में क्या है, तो साउथ अफ्रीका से जो चिली है वो इंडिया में आई है. तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अगर हम कॉफ़ी बीन्स के बारे में बात करें, कॉफ़ी बीन जो है वो कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है. ओके भिंडी है वो भी अफ्रीका से आई है. मेथी है आपकी जो वो अलग कंट्री से आई है ना. इसके अलावा ये जो आपका मैंगो है, ये मैंगो जो है मैंगो इंडिया में ही है. ओके तो सॉरी, और मेथी और जो मैंगो है वो इंडिया में ही पहले से मिलते हैं, एंड कॉफ़ी बीन्स एंड भिंडी जो है वो अफ्रीका से आई है. बट यहाँ पे चिली पूछा था तो चिली कहाँ से आया, सॉरी साउथ अफ्रीका से पूछा था, साउथ अफ्रीका से चिली आया है. इसके अलावा और भी आप याद रख सकते हो, टोमेटो आया है साउथ अफ्रीका से, पोटैटो आया है ना, और चिली तो हमने कर ही ली. तो ये अलग अलग चीज़ें, कई बार कैबेज और पी का भी पूछ लेता है, तो कैबेज और पी जो मटर हैं और वो कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ग्रुप ऑफ रूट्स. रूट्स का ग्रुप बताना है कौन सा इनमें से ग्रुप ऑफ रूट्स है. बिट रूट क्या एक रूट है, पोटैटो, जिंजर, है ना, ये कैरेट, टर्मरिक, जिंजर, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मरिक, ये कैरेट, बिट रूट या रेडिश. तो इसमें जो कैरेट है, बिट रूट और रेडिश है, ये सारा क्या है आपके रूट्स हैं. जो आपका पोटैटो है भले ही ज़मीन के अंदर मिलता है बट वो एक रूट नहीं है, उसको एक तना स्टेम माना जाता है. आपने ये चीज़ याद रखनी है ना. तो यहाँ पे रूट्स का हमसे क्वेश्चन पूछा था. नेक्स्ट है आफ्टर डायग्नोसिस ए डॉक्टर सेज टू पेशेंट दैट देयर इज़ लेस होमोग्लोबिन इन हिज ब्लड. ठीक है, एक डॉक्टर ने डायग्नोस किया तो बोला कि पेशेंट को कि भाई आपके आप में क्या है, आपके ब्लड में कम होमोग्लोबिन है. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. तो हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आयरन की कमी हो जाती है, जैसे अनीमिया हो सकता है. तो इस कमी को दूर करने के लिए, आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए क्या हमें खाना चाहिए, अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या लेनी चाहिए. तो इसमें राइस लेना चाहिए, शुगर, आंवला, है ना. तो आपने ऐसा देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब सारे ही ऐसे फूड्स हैं जिससे आयरन मिलता हो. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी आपने सुना होगा, गुड़ खाना चाहिए जिससे क्या मिलता है हमें, आयरन का रिच सोर्स होते हैं. इसके अलावा आंवला भी आ जाता है. तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. ऐसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसमें आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स आर मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड. कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं. तो ये सारे ही हैं, इसका आंसर ऑल आ जाएगा, है ना, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या चीज़ जरूरी है. तो प्रोटीन चाहिए होता है, विटामिन्स चाहिए होते हैं ना, मिनरल्स चाहिए होते हैं क्या. तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो प्रोटीन जो है वो क्या कहते हैं उसे, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, मतलब ग्रोथ के लिए चाहिए होता है. और उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे विटामिन के, विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ना, कि हमें ये खून का खत्ता नहीं जम थम खून का थक्का जमने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है. तो ये दोनों चीज़ें पूछिए कि ग्रोथ और मेंटेनेंस दोनों में हेल्प करते हैं. ओके
राइट आंसर डी आएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपनीज डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, किससे न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, मिल्क, वाटर, फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस. तो जो वाटर आ जाते हैं आपके, है ना, वाटर एंड फाइबर्स, ये क्या करते हैं, जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं और बॉडी अच्छे से काम करती रहे उसमें हेल्प करते हैं. तो वाटर कोई न्यूट्रिएंट नहीं देगा बाकी सारी, बट ज़रूरी है हमारी बैलेंस डाइट के लिए भी. नेक्स्ट है, पोटैटो, सीरियल्स, बीन्स, पल्सेस एंड ओट्स आर रिच इन, ये किस में रिच होते हैं. तो ये रिच सोर्स हैं जो अब सभी को ध्यान में रख के आपने आंसर करना है, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स या कार्बोहाइड्रेट्स, सबको ध्यान में रखें, ठीक है. पल्सेस या प्रोटीन्स होता है, बट हमारे पास ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है. तो ये रिच सोर्स फिर किसका आ गया, आपके कार्ब्स, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा, ठीक है. तो ये एक चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं आप आंसर कर सकते हो, आपको पूरा जो सेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज़ करना है. नेक्स्ट है, मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स, मीरा लाइक्स टू ईट समोसा, कटलेट्स एंड ब्रेड, है ना, और दिव्या ऑन द अदर हैंड टेक्स एन आयरन डेफिशिएंट डाइट. जो मीरा है वो क्या करती है, समोसा वगैरह, आलू वगैरह की, मतलब कार्ब्स जिनमें ज़्यादा होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा खाती है, और जबकि दिव्या ऐसी लड़की है जो आयरन डेफिशिएंट डाइट लेती है. तो इन दोनों को किस तरह का डिसऑर्डर होने का खतरा है, ओबेसिटी एंड स्कर्वी, स्कर्वी एंड एनीमिया, अनीमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, या ओबेसिटी एंड एनीमिया. तो आपको पता है अगर कार्ब्स हम बहुत ज़्यादा खाते हैं उससे ओबेसिटी हो सकती है, और अगर जैसे पीछे भी मैंने कहा आयरन डेफिशिएंट डाइट लेंगे, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, एनीमिया उससे हो जाएगा. तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, मीरा को ओबेसिटी होगी और जो दिव्या है उसे अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट है, ए फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चैफ, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड, ये जो भूसा निकालना होता है ना मैं ग्रेन से, गेहूँ वगैरह से, इसके लिए किस तरह की प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं. तो इसके लिए विनोइंग का यूज़ किया जाता है. विनोइंग प्रोसेस कैसी है, मतलब जैसे एयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस जो भूसा है और जो ग्रेन्स हैं उनको अलग करने की कोशिश करें. ग्रेन्स के दाने मोटे होते हैं तो वो नीचे रह जाते हैं, और भूसा जो है वो हल्के जो भी दाने हैं वो मतलब उड़ के दूर चले जाते हैं ना. तो उस प्रोसेस को हम किसका नाम दे देते हैं, विनोइंग का नाम दे देते हैं. घर में भी नॉर्मल इस प्रोसेस को करते हैं. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस अकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल दोनों में जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग, रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड फूड मेकिंग. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो दोनों में चीज़ होती है वो होती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा. तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी. तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जैसा कि मैंने आपकी साइकोलॉजी की जो नई सीरीज़ शुरू की है उसे भी देखिए, मैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी. तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि वो जो सीरीज़ है वो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी आपके एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम है ना, चाहे आपका PHP टेट है, PS टेट है, कोई भी टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए, या और भी जिसमें भी साइकोलॉजी आता है उनमें हेल्प करेगी, क्योंकि वो स्पेशली मैंने ऐसी सीरीज रखी है जिसमें नए टॉपिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. Thank you for watching.